हो, यहाँ तो नाइंसाफी हो रही है। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। हम यहाँ आ रखे हैं भाभी जी के पास और भाभी जी वाला हमें देख के ठीक हो जाते हैं। नहीं भाभी जी, पक्का? तो हो गई है नए दिन की शुरुआत बिना मुख धोया और मैंने अभी तक मुंह नहीं धुलाया क्योंकि मैं सुबह उठा हूँ। और तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। काफ़ी खूबसूरत है, क्या बताएं। तो चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, मौसम आज बिल्कुल साफ है और सूर्य देव आप देख सकते हैं क्या गजब कहर ढा रहे हैं। और गजब कहर तो हमारे भाई साहब भी ढा रहे हैं। हाँ जी, हेलो अजय साहब, नींद नहीं खुलेगी आज? हेलो, बंदर आ गए? मतलब नहीं भाई, जो नहीं रिंग रहे। और भाई साहब इधर की बात करें तो सपना और मधुरी को अंदर पैक कर दिया गया है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर लग रही है। और पुदीना आप देख सकते हैं कितना भयंकर फैल रखा है, जैसे कि हरी घास फैल रखी हो। तो चलिए किचन की बात करते हैं, पहले इनको हटाते हैं। और किचन की बात की जाए तो यहाँ देखो आप खाने में जो बन रहा है, अरे वाह, स्वाद आना चाहिए खाने में, ठीक है? हाँ, कल चाणे खाना नहीं चलेगा यहाँ। और इसकी बात की जाए तो ये देखिए जितनी छोटी उतनी खोटी है। इधर देख जरा। हेलो हेलो मैडम, मैडम ना देखने का इधर। और यहाँ की बात करें तो प्रेशर खाली कर दिया गया है और दूसरा प्रेशर अभी तैयार है, वाह। और यहाँ देखिए आप, ये बन रहा है पहाड़ी चूल्हे के ऊपर खाना। किस चीज़ की दाल है? मिक्स दाल बना रखी है, चलो अच्छी बात है। फाइनली इसने मुँह दिखा दिया, फिर इधर उधर हो गई फिर से। बनाओ, मैं तब तक मुँह धुल देता हूँ। हैं तो दोस्तों, मैं मुँह धुल देता हूँ क्योंकि आज की जो ब्लॉग की शुरुआत की वो बिना मुँह धुले की। क्या करें यार, ब्लॉग का इतना भयंकर बुखार चल रहा है कि जैसे उठता हूँ रात को सोए में भी हेलो दोस्तों क्या हाल चाल देख तो, अरे यार तो 12 बज रहे अभी, तो भाई वायरस घुस जाता है ब्लॉग का भी। तो पहले ऐसा करते हैं, मुँह धुल देते हैं, फिर आपसे आगे की शुरुआत बताते हैं। चलिए फाइनली आपका भाई तैयार हो गया और मुँह हाथ भी धुल दिया और वही बिल्कुल क्रीम क्रीम लगा के बिल्कुल बाल भी मैंने खड़े कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब गांव की तरफ और दोस्त आ रहा है, थोड़ा उसको मिलते हैं। गेट खोलो यार। चलिए गेट बंद कर देते हैं, नहीं तो भाई कुत्ता भाग जाएगा। भाई बढ़ लाऊ बड़ा? हाँ जी, पक्का बर्तन धुल रहे होंगे? क्या बात है यार, हमें पता था। जिस चीज का था वही हुआ एकदम क्लियर। मतलब हम अगर एग्जाम निकाले तो हम पहले सोच लेते क्या क्वेश्चन आएगा, आंसर सही हो ना हो, लेकिन भाई गणित खतरनाक है हमारी। बंदा बर्तन ही धुल रहा था, कहाँ मिला बंदा यार? ऐसी बात नहीं, हेल्प कर रहा, अच्छी बात है। चलिए थोड़ा भाई साहब से मिल लेते हैं। यहाँ भाई जी, बढ़िया तबियत? आज पाँव क्यों बांध रखा आपने? माखा? अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो दवाई लगा रखी। नहीं, अच्छा अच्छा छिल गया। अच्छा, अंदर बाहर जाते हुए। चलिए मैं भी आ रखा हूँ अपने भाभी जी के, और भाभी जी की तबियत का हाल पूछते हैं जरा, बहुत जरूरी इनकी तबियत का हाल पूछना भी। हाँ भाभी जी, कैसी आपकी तबियत? बहुत बढ़िया है। क्या हो गया? हमें देख के आप ठीक हो जाते एकदम है, ऐसा क्या है? तो हम यहाँ आ रखे हैं भाभी जी के पास और भाभी जी वाला हमें देख के ठीक हो जाते हैं। नहीं भाभी जी, पक्का? पक्का। पता पीठ पीछे गाली देते होंगे, कोई भरोसा नहीं बाबा। पर ऐसे कि सामने पे ठीक है, सामने पे जो दिख रहा है वही ठीक है, बाकी पीठ पीछे कौन देख रहा है किसी को? ठीक है ठीक है, सही है सही है। चलिए फिर इधर चलते हैं जरा। हाँ भाई, हाँ। ओ हो, यहाँ तो नाइंसाफी हो रही है। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। ये धमकी दे रहा है मुझे कि सब्सक्राइबर सब खत्म कर देंगे जैसे मेरा कच्चा खुला। खोल मत, कच्चा मत खोल, कच्चा मत खोल, कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा मेरे पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका कच्चा खोलते हैं, हम खोल लेते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है इसीलिए हम इसका कच्चा नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो हम इसका कच्चा खोल देते हैं। पर यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, उसके अंडर में हमें रहना पड़ता है।
हमारा चैनल डिमोनेटाइजेशन भी हो सकता था, इसीलिए इसका कच्चा नहीं खोला हमने। और यहाँ संजू ने लगा दिया इसके ऊपर पानी। गांव में अक्सर ऐसी होता है, पानी ऐसे लगाते चूल्हे के ऊपर। कंटर देखो, जुगाड़ कितना खतरनाक कर रखा है यहाँ। और मौसम आप देख सकते हैं यार, कितना प्यारा हो रहा है। आहा, सुबह लग रहा था कि धूप खतरनाक आएगी, लेकिन बादल ही आ गए खतरनाक। और यहाँ आप देख सकते हैं छेमी लगा रखी, एक महीने बाद इनमें भी छेमी लग जाएगी। ये देखो यहाँ छेमी, इसकी बेल इस पे चढ़ेगी अब ऊपर। ये लौकी की बेल है, लौकी इस पे चढ़ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने धनिया डाल रखा है सुखाने के लिए, इसकी बीज है। और आप सामने देखिए यात्री की गाड़ी कैसे लाइन पे लगी हुई है। आजकल जाम लग रहा है यात्रियों से, और ये सबको मार रहे हैं आजकल, ये रॉन्ग साइड चल रहे हैं। और ये है गब्बू डॉन, जो कि मार खाते रहते हैं बार बार स्कूल में। बता दे, देख ले। इसने कल अंधो भाई को बचाया भाई, बचाया। अरे बधाई हो, बधाई हो गब्बू डॉन, बधाई हो। अरे दीदी का ये बाहुबली चाल है हनी, यार देखो दीदी ले जा रहे यहाँ से लांग। तो चलिए हम जा रहे हैं बड़े भ्राता के यहाँ, और मैं खा रहा हूँ आरू। आरू बड़े खट्टे हो रहे हैं, पर मजा आ रहा है इनको खाने में भी। और अमन बेटा लगा हुआ है फोन पे। हाँ जी, कल 50,000 पाए तुमने सही में। मैं 1,00,000 बना हूँ तो दिख नहीं रहे यार तुम तब से। नहीं नहीं, पैसे दे दो जिसके थे वापस दे दो भाई, ऐसा नहीं होता। मैं हो सकते हैं, ये पहले हम दो थे, अब एक तीसरा भी आ गया है। मतलब चाय बढ़ेगी भाई की, अब एक से भले दो, दो से भले तीन, दो गिलास और बढ़ गए वहाँ। हेलो गाइस, हेलो भाईस। हम अभी भाई साहब के यहाँ बैठ रखे हैं, पर यहाँ हमें चाय नहीं पूछी जा रही है, इज्जत खत्म हो गई हमारी। नहीं बेटा, अरे हमें तो छोड़ो, इसको तो पूछ लेते हैं बेचारा कल रिश्ते से आया। ये तो मेहमान है कम से कम, इसको तो बख्श लेते भाई साहब। पहाड़ों में भी इज्जत खत्म हो रही धीरे धीरे। बोल रहा है कि मेरी ड्राइंग दिखाओ थोड़ा अपने व्यूअर्स को। तो आप देख सकते हैं इसका हार्ट देखो यहाँ, इसका दिल देखो कितना पहना है, लकड़ी काटने काम आ जाएगा। ये केक देखो, वाह बड़ा आ रहा है, वाह गुब्बारे भी उड़ रहे हैं इसके। छाता देखो, छाते के नीचे से पानी आ रहा है, इसका बेंड सड़ जाएगा पानी से। ये क्या है बेटा? एप्पल है कि एप्पल का छोटा भाई है? एप्पल। अच्छा ये एप्पल है। और ये देखिए सन, सूरज, और उससे बड़ा है सनफ्लावर। वाह। तो भाई साहब फाइनली चाय मिल गई है इतने जतनों के बाद। ये भाई फाइनली हम भाई के यहाँ से आ गए हैं, और अब घर जाते हैं क्योंकि 12 बज गए और खाना भी खाना है अभी। नींद भी आ रही है और नींद भी बहुत गंदी वाली आ रही है, धूप आ रही है, नींद आ रही सीधे। भाई साहब फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और मैं यहाँ देख रहा हूँ तो शेरू महाराज अभी सो रखे हैं, बस थोड़ा पूंछ हिला रहे हैं, बाकी तो इनका मन गर्दन उठाने का भी नहीं कर रहा है। भाई साहब हेलो। ना ना मतलब नहीं यार, अब थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि मम्मी तो पता नहीं कितनी लेट में आती है। तो खाने में देखते हैं क्या बना रखा है आज। दाल है, मिक्स दाल है, चावल है इसमें। तो भाई साहब खाना तो मैंने निकाल लिया, और ये मिक्स दाल और थोड़ा चावल खाना मैंने खा लिया है। यहाँ दरवाजा लगा देते, नहीं तो यहाँ बंदर आ सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, नहीं तो मेरे को भूख लग गई थी भयंकर। मैंने मम्मी का वेट कर रहा था, मम्मी खेतों में जा रखी है, पत्नी कितनी देर में आती है। और आपको दिखाता हूँ कितनी धूप लग रही है अभी बाहर, अभी बाहर खतरनाक धूप लग रही है। मम्मी पत्नी कैसे इस धूप में काम कर रही है ये देखिए आप, आज धूप भी बड़ी खतरनाक लग रही है। उधर है हमारे खेत नीचे, और इधर लोग रुपाई लगा रहे हैं। धूप बड़ी तेज है आज। और भाई साहब की बात करें तो इनको नींद फूट रही है, खाना यहीं पर रखा हुआ है, लेकिन ये आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनको भी। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, धूप में क्या कर सकता हूँ अभी। अब सीधे शाम को उठूंगा, शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या प्लान है, तभी देखेंगे। अभी सिर्फ सो जाते हैं, अभी मम्मी आएगी तो तब उठूंगा, तब तक मैं भी आराम कर लेता हूँ। भाई साहब समय हो रहा है 4:30, और बाहर लगने लग गए बारिश। मैं बहुत गहरी नींद में था, तो मैंने बिजली चटकने की आवाज़ सुन ली थी, तो मैं जैसे भागा तो बाहर देखा तो कपड़े भी भीग रहे थे। मैंने कपड़े कुछ यहाँ रख दिए, और आप देख सकते हैं गीला हो गया बाहर, कुछ कपड़े मैंने यहाँ टांग दिए। और मौसम एकदम ख़राब हो गया यहाँ, मतलब पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं कब सही रहे कब ख़राब हो जाए। सोचा मम्मी आ गई होगी, खाना खुना खा लेगी, लेकिन मैं 2 घंटे तक सोया रहा, पर मम्मी नहीं आई।
क्या बताएं, मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही काम कर देती है, मतलब अपने शरीर की भी फिक्र नहीं है। तो देखिए आप कैसा हो गया मौसम अभी। और नीचे लग रही है रुपाई। भाई फाइनली मम्मी आ गई है कि माँ? धन हो प्रभु धन हो। अब होनी है, मौसम आप देख सकते हैं कैसा है। और मेरी मम्मी अभी आ रही 4:30 बजे। भाई साहब ये होता है कि मैं सो जाता हूँ, मुझे फिक्स नहीं होता कि मम्मी कब आएगी, पर जब आ जाती है मुझे पता कैसे चलता, पता जब ये चिल्लाता है, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देता है तब मुझे लग जाता है मम्मी आ गई। क्या भाई चलो, ये ऐसे सुहाने मौसम में अब एक प्यारी सी चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो वेट करते हैं चाय का, तो चाय बन रही है अभी। ये आई भाई पहाड़ी फीकी चाय, ने बहुत बढ़िया फीकी चाय। भाई साहब मम्मी ने फीकी चाय दे दी है, और इस मौसम में तो फीकी चाय हो या दूध वाली चाय हो, कुछ भी मिल जाए पी लो। पहाड़ी चाय की चुस्की का मजा ही कुछ और है। नमकीन कैसे खाने चाहे, ऐसा करो आएगा नमकीन नीचे छोड़ के फिर चाय की चुस्की। ये भी मुझे देख रहा है, इसका मन भी कर रहा है, ले खा आराम से।